बिहार के 16 शेल्टर होम में बच्चों के शोषण और यौन दुर्व्यवहार की मिल रही शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सर्वोच्च अदालत का मानना है कि बिहार सरकार जांच को लेकर गंभीर नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने तो यहां तक कह दिया, अगर सही से जांच कराई जाए तो मुजफ्फरपुर जैसे कई मामले सामने आ जाएंगे। बुधवार को सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने कोर्ट से इजाजत चाही कि पुलिस को इन मामलों की जांच करने दी जाए। साथ ही ये भी कहा कि एक हफ्ते के अंदर पुलिस प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल कर देगी, फिर कोर्ट कोई भी फैसला ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की बातों से संतुष्ट नजर नहीं आया, फिर कोर्ट ने सभी मामलों की जाँच सीबीआई को सौंप दी। सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई को 31 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जांच में शामिल अधिकारियों का तबादला कोर्ट की इजाजत के बगैर नहीं किया जाए। दरअसल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चों के शोषण और यौन दुर्व्यवहार के मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है और 16 शेल्टर होम के इसी तरह के मामले बिहार सरकार के पास थे। हैरत की बात तो ये है कि इनमें से 4 में तो एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई थी। जिन मामलों में एफआईआर दर्ज हुई उनमें भी अपराध की गंभीरता के हिसाब से धाराएं नहीं लगाई गईं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई से जांच कराने का आदेश न्याय की आस लगाए लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगाता है। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए फैज आलम फैजी की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।